मऊ जिले में गरीबों को बांटने के लिए आ रहे सरकारी राशन में भ्रष्टाचार कर करोड़ों रुपए अर्जित करने वाले जिला पूर्ति विभाग में तैनात बाबू गगन सिंह का स्थानांतरण मोहम्मदाबाद तहसील में कर दिया गया है। जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विवेक सिंह की शिकायत के बाद पूर्ति लिपिक गगन सिंह का मोहम्मदाबाद तहसील में कर दिया गया है। गगन सिंह पिछले 30 वर्षों से मऊ जनपद में बाबू के पद पर तैनात है। वही कई सरकारें आए और गई, लेकिन गगन सिंह द्वारा जिला पूर्ति विभाग में की जा रही अवैध वसूली को बंद नहीं कर पाई। आप लोगों ने कुछ लेटर दिया था, ऐसा है कि सदर तहसील में गगन कुमार सिंह जो लिपिक हैं, पूर्ति लिपिक, वो लगभग 30 वर्षों से बने हुए हैं और इनके द्वारा इतना अथाह अवैध संपत्ति बनाया गया है कि उस सारा डिटेल मैं DM साहब को दिया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को जो है यहाँ से तत्काल हटाने के लिए जो है मैं निवेदन किया और DM साहब तुरंत जो है DSO साहब को तहसील दिवस में मैं दिया। DSO साहब को तुरंत बुलाकर बोले कि ऐसा है कि ऐसे लोगों को क्यों रखे हुए हैं आप जब इनकी इतनी शिकायत है। मैं DM साहब से सारी शिकायत दिया और ये पूरा डिटेल भी, उनका कितना प्रॉपर्टी, लगभग 11 करोड़ की प्रॉपर्टी ये बिहार से लेकर के झारखंड तक ये बनाए हुए हैं, ये तो हम ऑन पेपर हमको मिल गया। अभी इसके अलावा इन्होंने कितना प्रॉपर्टी बनाया होगा ये हमें जानकारी नहीं है, जांच का विषय है। तो EDCBI को भी हमने दिया हुआ है और ये जांच अब होगी इस पर। अभी फिलहाल DM साहब ने कार्रवाई करते हुए इनको जो है सदर तहसील से मोहम्मदाबाद तहसील में भेज दिया। ऊपर के भी अधिकारी काफ़ी सालों से हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसा है कि लड़ाई तो लड़ रहे हैं, आप ही लोग के बदौलत मैं लड़ाई लड़ पाता हूँ। और आप सभी पत्रकार भाइयों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जो है जुड़ करके स्वच्छ मऊ, सुंदर मऊ, उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश बनाने का प्रयास करते हैं। और काफ़ी दिनों से यहाँ पड़े थे, क्या लगता है क्यों नहीं हटा पा रहे थे? हटा नहीं पाए थे, इनको हटाने का कारण यही था कि ऐसे अधिकारी हमें, जिला अधिकारी जो मऊ के हैं, इतने अच्छे अधिकारी हमें मिल नहीं पाते थे कि हम हटा पाएँ उनको।